स्वस्थ रहो। आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी में बहुत सारे प्रश्न हमको रहते हैं एज एडल्ट्स, उसी तरह बच्चों में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज मैं डॉक्टर सुलेमान मिरानी, साइकियाट्रिस्ट नागपुर, आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि जिससे हम अपने बच्चों को कैसे संभाले ये लॉकडाउन के पीरियड में। सबसे पहले तो हमको बच्चों का ये समझना जरूरी है कि बच्चे हमारे रियल लाइफ हीरोज है। छोटी सी उम्र में उनको ये सब देखना पड़ रहा है और वो ना अपने स्कूल जा पा रहे हैं, ना टीचर से, ना फ्रेंड से मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी मानसिकता हमको समझना बहुत जरूरी है। इसमें टिप्स में पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को लिसन करो, उनसे सुनो। बहुत बार बच्चों के साथ बात करके आपको उनकी मानसिक तबीयत समझ में आ जाएगी। बच्चा क्या डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बहुत कम बोल रहा है, ये कुछ कुछ लक्षण भी हो सकते हैं कोरोना की एंजाइटी या स्ट्रेस के। और बच्चे अक्सर बोलकर नहीं बताते, कभी कभी उनके एक्शन स्पीक्स, तो हमको ये भी समझना जरूरी है। कभी कभी कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी कोई लोग बहुत सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो पहला टिप ये रहेगा कि एज ए पेरेंट हमने रेगुलरली बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ हंसिए, खेलिए, छोटे छोटे गेम्स खेलिए, लूडो, सांप सीढ़ी, म्यूजिक, डांस, पजल, सुडोकू, इतनी सारी चीजें हैं जो आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपका टाइम टेबल सही रखिए, घर का टाइम टेबल सही रखिए और पॉजिटिव वातावरण रखिए। अगर कोरोना की न्यूज घर में बार बार देखी जा रही है तो वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एज ए एडल्ट आपको ये सब सोचना और घर का वातावरण सही रखना ये बहुत जरूरी है। दूसरा है रीअश्योर कीजिए बच्चों को। बच्चों में एंजाइटी इतनी रहती है कि बच्चों को अगर रीअश्योर भी हम करते हैं कि बेटा ये सब कुछ दिनों की बात है, आगे सब ठीक हो जाएगा, तो बच्चों में उत्साह बढ़ जाता है। बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, उनको कोई ओपन स्पेस नहीं मिल रहा, उनकी हलचल कम हो गई है। इसलिए ये अब आपका फर्ज है कि आप बच्चों के साथ कैसे क्रिएटिवली एक्टिव हो सकते हो। आप रेगुलरली उनसे वॉकिंग, उनके साथ वॉकिंग कीजिए साथ में, घर पर ही करना है या बिल्डिंग में स्टेयर्स पर अप एंड डाउन कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम, वर्कआउट आप साथ में बच्चे के साथ कीजिए, तो उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तीसरी बात है, बहुत सारे घर के ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत पॉजिटिव वे में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कपड़ों की घड़ी करना है, छोटी जगहों पे साफ सफाई करना है, कुकिंग में हेल्प करना है, ये सब चीजें आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा और आपका भी हाथ बटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जिससे हम सब ये कोरोना के लॉकडाउन में काफी हेल्दी वे में और फिट वे में रह सकते हैं। थैंक यू।